एमजे रोड स्थित मोशन एकेडमी तारनगरी में स्टूडेंट के लिए आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उचित स्थान है। ये शहर का नंबर वन कोचिंग है। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। हर साल एकेडमी के स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट भी रहता है। अब तक हजारों की संख्या में बच्चों का चयन आईआईटी और नीट के लिए हो चुका है। एक दशक से अधिक समय से मोशन एकेडमी ताजनगरी में स्टूडेंट्स को आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रही है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी और नीट में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कई कोर्स संचालित हो रहे हैं। अकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि 28 मार्च से अकेडमी में आईआईटी और नीट परीक्षा के लिए नए बैच शुरू हो रहे हैं। हमारे बैच अभी 28 से नए और स्टार्ट हो रहे हैं और अभी लास्ट हमारा पहला बैच कंप्लीट हो चुका है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। अब हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आईआईटी और नीट के लिए 28 मार्च से शुरू हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने देश में आईआईटी की तैयारी को एकदम से हलवा टाइप समझ लिया है। आईआईटी की तैयारी इतना आसान होती नहीं है। आईआईटी की जो तैयारी है या आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही मेहनत की जाती है। दूसरा विषय ये है कि आईआईटी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में दूसरे नंबर पर आती है, तो यह तैयारी इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रॉपर अच्छे फैकल्टी द्वारा, अच्छे मैनेजमेंट द्वारा, अच्छे सिस्टम द्वारा पढ़ाई करनी चाहिए, तब जाके बच्चों को सफलता मिलती है। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं मोस्टली टीचर आईआईटीएन हैं, जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं इसकी वास्तविक तैयारी कैसे होती है, तभी हम अच्छे से तैयारी करा पाते हैं। ताजनगरी में जब से मोशन एकेडमी शुरू हुई है, जब से ताजनगरी से कोटा और नई दिल्ली को आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स का जाना रुक गया है। एकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि एकेडमी में सारी फैकल्टी आईआईटीएन हैं और यहां एक बैच में महज 60 स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि कोटा की विभिन्न एकेडमी में 200 से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ हर एक स्टूडेंट्स पर फैकल्टी ध्यान देती है, जिससे आईआईटी और नीट में रिजल्ट काफी अच्छे रहते हैं। अपने शहरों में इसलिए भी रुक रहे हैं क्योंकि कोटा या दिल्ली अनदर जो बड़े प्लेस हैं वहाँ 240 बच्चों का एक बैच, 180 बच्चों का एक बैच आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षाओं का जो इस तरह के बैच होते हैं उसमें प्रॉपर पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। एक घंटे का या डेढ़ घंटे का समय में 240 बच्चों के बैच में क्या पढ़ाई कराई जाएगी। आगरा जैसे शहरों में या मोशन अकेडमी में हमारे संस्थान में एक बैच में 60 के आसपास बच्चे होते हैं, 50 से 60 के आसपास बच्चे होते हैं, जिसमें हम प्रॉपर पर्सनल अटेंशन देते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के लिए समय मिलता है, टीचर्स प्रॉपर गाइड करते हैं, पर्सनल अटेंशन होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी तो पढ़ाते ही हैं, बच्चे को हमारा टीचर नाम से जानता है। मोशन एकेडमी पिछले 5-6 सालों से आगरा टॉपर्स देते आ रहे हैं, चाहे आईआईटी का रिजल्ट हो, चाहे नीट का हो, जेई मेन में हो या एडवांस में हो या नीट प्रवेश परीक्षा में हो, इसमें हम आगरा टॉपर्स देते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारे कोचिंग से इसलिए भी आ रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं। अकेडमी के आईआईटी और नीट में अच्छे रिजल्ट के चलते ताजनगरी ही नहीं विभिन्न शहरों के स्टूडेंट्स का रुझान मोशन अकेडमी की तरफ हुआ है। यहां दाखिले के लिए अलीगढ़, बदायूं तक के बच्चे हर साल आते हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।